पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा बम धमाका, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन समेत 7 की मौत। आठवले बोले 2024 में भारी बहुमत से फिर पीएम बनेंगे मोदी, बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर रहे प्रधानमंत्री। आज यूपी के सभी निजी स्कूल रहेंगे बंद, अभिभावक संघ ने किया विरोध, 9 अगस्त के लिए बड़ी घोषणा। एएपी पर डबल मुसीबत, एक प्रस्ताव पर घिरे राघव चड्ढा, अमित शाह ने बताया फर्जीवाड़ा। अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने किया भगोड़ा घोषित, घर पर लगाया नोटिस। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी होंगे पहले वक्ता। उदयपुर ने इस साल में पर्यटनों का बनाया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गुजरात से पहुंचे टूरिस्ट। नब्बे साल की उम्र में खराब सेहत, फिर भी मनमोहन सिंह को सदन में ले भाजपा ने किया कटाक्ष, कांग्रेस आपने दिया जवाब। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। योगी के मंत्री ने सदन में दिया विवादित बयान, अखिलेश यादव बोले बेबस मंत्रियों को क्या जवाब देना, इनकी गिनती नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।